खरगोश एक घने जंगल में एक शेर रहा करता था। वो तमाम जंगल का बादशाह था, लेकिन वो बादशाह जैसे पेश नहीं आता था। हर दिन बेरहमी से जंगल के जानवरों को खा जाया करता था। शेर के खौफ से जंगल के जानवर चुप जाया करते थे और खुद अपनी भूख व प्यास को मार कर सख्त मुश्किल से दो चार होने लगे थे। इस तरह कुछ दिन बाद जंगल के तमाम जानवर एक मुहाम पर जमा हुए और शेर के शर से महफूज रहने के लिए सब मिलकर राय मशवरा करने लगे। सबने अपनी अपनी बात रखी और आखिर में एक गीदड़ ने कहा, मेरा ख्याल है कि हम लोग शेर के हाथों बनने के बजाय हम खुद एक एक बार शेर के पास चले जाएं। इस तरह रोजाना शेर किसी एक को खा लेगा और हम सब अपनी अपनी बारी से चले जाएंगे और बिना खौफ डर सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। गीदड़ के मशवरे पे तमाम जानवर रजामंद हो गए। एक बंदर ने कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मौत का खौफ करने के बजाय अपनी बारी आने तक हम इत्मीनान व सुकून की जिंदगी गुजार सकेंगे। जानवरों की बातचीत मुकम्मल होने के बाद खुद गीदड़ ने शेर के पास जाकर ये सारी बात बताई। गीदड़ की बातें सुनने के बाद शेर ने कहा, मैं बादशाह हूँ, इसलिए तुम सब की बात मान रहा हूँ, लेकिन एक बात गौर से सुन लो। अगर किसी दिन मुझे जानवर मिलने में ताखिर हो जाए तो मैं खामोश नहीं बैठूंगा और दोबारा तुम सब पर हमला करना शुरू करूंगा। शेर ने बड़े गुस्से से ये सब कहा। शेर की बातें सुनकर गीदड़ ने सर हिलाते हुए हामी भर दी और वहाँ से चला गया। अब हर रोज एक जानवर खाना बनकर शेर के पास जाने लगा। एक रोज जब खरगोश का नंबर आया तो वो इरादतन ताखीर से वहां पहुंचा। इतनी ताखीर से कहां रे तुम, और तुम्हें खाकर तो मेरी भूख भी खत्म नहीं होगी। शेर बादशाह, मेरे साथ तो एक और जानवर भी आया था, मगर क्या आखिर क्या हुआ? बादशाह शेर रास्ते में तो एक और शेर मिल गया और उसने उसे खा लिया। क्या हर कुछ बक रहे हो तुम, इस जंगल में मेरे सिवा कोई और बादशाह नहीं हो सकता। किधर है वो शेर, जरा मुझे दिखाओ, आखिर किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे शिकार को हाथ लगाए। चलिए बादशाह सलामत, मैं आपको वहीं ले चलता हूँ। खरगोश उस शेर को एक कुएं के पास ले जाता है। शेर बादशाह, वो शेर इसी कुएं में छुप कर बैठा हुआ है। शेर ने जैसे ही उस कुएं में झांक कर देखा तो पानी में उसे अपना ही अक्स नजर आया। दूसरे शेर को मारने की गरज से पानी में छलांग लगा दी और वहीं डूबकर मर गया। तो इस तरह से नन्हे से खरगोश ने अपनी समझदारी से अपनी और तमाम दूसरे जानवरों की जान बचा ली। तमाम जानवरों ने खूब खरगोश की तारीफें की और उसके बाद तमाम जानवर खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगे। गीदड़ ने शेर का शुक्रिया अदा किया और पूछा, ए नन्हे से खरगोश, तुमने ये सब कुछ अकेले कैसे कर लिया? तुम्हारी बहादुरी को तो दांत देनी पड़ेगी। नन्हे खरगोश ने बोला, गीदड़ भाई, क्या तुम जानते हो कि अगर हम अल्लाह ताला से कोई भी चीज मांगे तो अल्लाह ताला वो हमें जरूर देता है, पर हमें मांगने का तरीका आना चाहिए। मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला इस जालिम शेर से हमें बचा ले। तो एक रात मैं सोया तो मुझे ख्वाब आया कि एक शेर एक कुएं में गिरा हुआ है। तो मैंने सोचा कि ये ख्वाब मुझे क्यों आया है। अगले दिन मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं